बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन में एक साथ नजर आ चुके प्रभास और अनुष्का शेट्टी को लेकर कहा जा रहा है कि ये दोनों जल्द ही एक साथ एक और फिल्म में नजर आ सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म के निर्माता अनुष्का शेट्टी और प्रभास से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि वो दोनों इस फिल्म में लीड रोल में नजर आ सके। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभास और अनुष्का शेट्टी के फैंस बहुत दिनों से ये ख्वाहिश कर रहे थे कि काश कोई ऐसी फिल्म आए जिसमें इन दोनों को हम फिर से देख सके, और लगता है कि इन दोनों के फैंस का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। दोनों सितारे डायरेक्टर मारुति की अगली फिल्म राजा डिलक्स में हो सके तो मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रभास ने इस फिल्म को साइन कर लिया है और अनुष्का शेट्टी भी इस फिल्म को साइन कर लेंगे, इस बात की संभावनाएं हैं। जब अनुष्का शेट्टी इस फिल्म को साइन कर लेंगे तो राजा डिलक्स में ये दोनों काम कर रहे हैं, इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राजा डिलक्स एक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में प्रधान के रोल के लिए अनुष्का शेट्टी को फिल्म में रखना है, इस बात का सुझाव मारुति को प्रभास ने ही दिया था। और प्रभास के इस सुझाव के बाद डायरेक्टर मारुति अनुष्का शेट्टी से लगातार इस फिल्म में काम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रभास और अनुष्का शेट्टी सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि मीडिया में इन दोनों की शादी की खबरें भी खूब चर्चे में रहती है, लेकिन दोनों ने हमेशा इस बात को नकारा है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो बस एक अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का शेट्टी ने तो एक बार प्रभास को 3 बजे वाला दोस्त भी कहा था। तो आपको क्या लगता है, डायरेक्टर मारुति की फिल्म राजा डिलक्स में हम इन दोनों को फिर से एक साथ देख पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और देश दुनिया एंटरटेनमेंट की ऐसे ही खबरों के लिए स्कूप बीट्स को फॉलो करते रहें।